डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम न्यू एंजॉयिंग मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8C को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1, 125 ग्राम ऑफ योगर्ट प्रोवाइड्स 4.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मींस 125 ग्राम दही आपको 4.5 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डज 100 ग्राम ऑफ योगर्ट प्रोवाइड्स, तो 100 ग्राम दही आपको कितना प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, इसको हमें फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रोटीन प्रोवाइडेड बाय ग्राम योगर्ट इक्वल टू 4.5 ग्राम 125 ग्राम जो दही है वो हमें 4.5 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। प्रोटीन प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम योगर्ट, तो यहां पर हम ग्राम दही में कितना प्रोटीन मिलता है उसको हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो 4.5, उसको फाइंड करने के लिए 4.5 में डिवाइड कर देंगे हम 125 का। प्रोटीन प्रोवाइडेड बाय 100 ग्राम योगर्ट इक्वल, इसको फाइंड करने के लिए 100 ग्राम का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, 125 ग्राम में आपको जो प्रोटीन मिलता है 4.5 ग्राम मिलता है। एक ग्राम दही में कितना प्रोटीन वो निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, 4.5 में 125 का डिवाइड कर देंगे। पूछा गया है कि 100 ग्राम में दही कितना निकलेगा, तो प्रोटीन प्रोवाइडेड बाय 100 ग्राम योगर्ट 100 का कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। अब इसको क्रॉस करेंगे 25 की टेबल से 100 भी क्रॉस हो जाएगा और 125 भी क्रॉस हो जाएगा। 25 फोर जा 100, 25 फाइव जा 125। यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया तो यहां क्या हो गया 10, नीचे राइट डाउन करेंगे 5 से कट गया 45, 5 9 जा 45, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36 अपॉन 10 और 10 का कर देंगे इसमें डिवाइड। तो सिंपल सा डिवाइड है, 10 है, 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, 3.6 ग्राम। 100 ग्राम में आपका 3.6 प्रोटीन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए पोल्ट्री फॉर्म एवरी 100 बर्ड्स प्रोवाइड्स एन एवरेज ऑफ 72 एग्स। क्वेश्चन में कहा गया है 100 बर्ड आपको 72 एग प्रोवाइड करती हैं। हाउ मेनी बर्ड्स विल प्रोड्यूस
324x। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी बर्ड्स आपको 324x प्रोवाइड करेंगी। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ बर्ड्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन करते हैं। 72x प्रोवाइडेड बाय 100 मीन्स 72x हमें 100 वर्ड प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले वन एग कितनी वर्ड प्रोवाइड करती हैं उसको फाइंड करेंगे। वन एग प्रोवाइडेड बाय बर्ड इक्वल टू, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 100 में 72 का डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाय 72। अब क्वेश्चन में पूछा गया था 324x को कितनी बर्ड प्रोवाइड करेंगी। तो 324 का निकालते हैं। 324x प्रोवाइडेड बाय बर्ड्स इक्वल 100 अपॉन 72 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 324 का। 324 अब इसको क्रॉस करते हैं। 2 से 100 क्रॉस हो जाएगा 50 टाइम्स, क्योंकि 2 हर नंबर को हाफ कर देता है। ऐसे ही 2 से 72 क्रॉस हो जाएगा 36। यहां पर 36 और 324 दोनों ही नंबर 6 से क्रॉस हो जाएंगे। 6 6 जा 36, इसको क्रॉस करते हैं। 6 5 जा 30, 2 बचा, 2 4 के आगे लगाया। 6 4 जा 24, अब 6 से 54 को भी क्रॉस करेंगे। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अब हमारे पास क्या बचा, 9 और 50। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 450। 324x हमें 450 बर्ड्स प्रोवाइड करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3। ए दर्जन ऑफ एप्पल वेट 2.4 किलोग्राम। एक दर्जन एप्पल्स का वेट 2.4 किलोग्राम। दर्जन मीन्स 12 पीसेस। 12 एप्पल्स हैं जिनका वेट 2.4 किलोग्राम है। हाउ मेनी एप्पल्स विल वेट 10.2 किलोग्राम। तो कितने एप्पल्स का वेट 10.2 किलोग्राम होगा ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स इन 2.4 किलोग्राम वेट। इक्वल टू 1 दर्जन। 1 दर्जन में पीसेस होते हैं आपके 12। इक्वल टू 12 पीसेस। नंबर ऑफ एप्पल्स इन 1 किलोग्राम वेट
2.4 किलोग्राम वेट में 12 पीसेज हैं एप्पल्स के, तो 1 किलोग्राम में कितने पीसेज होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे 12 में डिवाइड कर देंगे 2.4 का। 12 डिवाइडेड बाय 2.4। अब हमें नंबर ऑफ एप्पल 10.2 किलोग्राम वेट में फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स इन 10.2 किलोग्राम वेट, इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई 10.2 किलोग्राम। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर क्या बढ़ जाएगा 0, ऐसे यहां से पॉइंट हटाया यहां क्या बढ़ गया 10 ऊपर बढ़ गया और 10 नीचे। अब इसको क्रॉस करेंगे, 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 2 से क्रॉस किया 102 को, तो 2 से 102 को क्रॉस करेंगे तो कितना होगा 51, 2 5 जा 10 और 2 बन जा 2, तो आंसर इज 51 एप्पल्स। 51 एप्पल्स में 10.2 किलोग्राम वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 50 पीपल कंज्यूम एन एवरेज ऑफ 110 केजी ऑफ राइस इन अ वीक, इफ 20 मोर पीपल ज्वाइन दिस ग्रुप हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस विल बी नीडेड फॉर अ वीक। क्वेश्चन में कहा गया है 50 लोगों का एक ग्रुप है जो वन वीक में 110 केजी चावल कंज्यूम करता है। यदि 50 लोगों के उस ग्रुप को 20 लोग और आकर ज्वाइन कर लेते हैं तो वन वीक के लिए कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, यह हमें फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, राइस कंज्यूम बाय 50 पीपल इन अ वीक। 50 लोग वन वीक में कितना चावल कंज्यूम करते हैं, 110 केजी। राइस कंज्यूम्ड बाय 1 पीपल इन अ एक आदमी 1 वीक में कितना चावल कंज्यूम करता है उसको फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के लिए हम 110 में 50 का डिवाइड कर देंगे। 110 डिवाइड बाय 50, राइस कंज्यूम बाय 50 प्लस 20 वो लोग हैं जो बाद में आकर इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, तो टोटल पीपल हो गए 70 इन
a week. 70 people 1 week में कितना चावल कंज्यूम करेंगे यह हमें फाइंड करना है. 110 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 70. जितने लोगों का हमें फाइंड करना है उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. जीरो से जीरो क्रॉस हो गया, 5 से 70 क्रॉस हो गया 14 टाइम्स. अब आपके पास क्या नंबर है, 11 मल्टीप्लाई बाय 14. इन दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 154 किलोग्राम राइस. एक वीक में 70 लोगों के लिए 150 किलोग्राम राइस की आवश्यकता होगी. क्वेश्चन नंबर 5. 24 स्टूडेंट कलेक्टेड 108 रुपीस बाय बाइंग ए राफेल टिकट ईच. हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव टू बाय अ राफेल टिकट ईच टू कलेक्ट 315 रुपीस. क्वेश्चन में कहा गया है 24 स्टूडेंट के द्वारा टिकट खरीदने के लिए 108 रुपीस कलेक्ट किए जाते हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है 315 रुपीस को कितने स्टूडेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा. तो हमें यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं. रुपीस वन हंड्रेड एट कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स इक्वल टू 108 रुपए कलेक्ट किए गए कितने स्टूडेंट के द्वारा, 24 स्टूडेंट के द्वारा. रुपीज वन कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स इक्वल टू 1 रुपीज कलेक्ट किया गया उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 में 108 का डिवाइड कर देंगे. 24 डिवाइडेड बाय 108 रुपीज 315 कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 108 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 315 का. और 24 से 108 को क्रॉस करेंगे, 24 की टेबल में 108 नहीं आता तो ये क्रॉस नहीं होगा, लेकिन दोनों नंबर 12 की टेबल में आते हैं इसलिए ये दोनों नंबर 12 से क्रॉस हो जाएंगे. 12 टू जा 24 और 12 9 जा 108. अब 9 से 315 को क्रॉस करेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 4 बचा, 4 इसके आगे लगाया तो कितना हो गया 45, 9 5 जा 45. अब आपके पास नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 35 इक्वल टू 2 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 70. 70 स्टूडेंट्स के द्वारा 315 रुपीज कलेक्ट किए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6. द टोटल वेजेस ऑफ ए टीम ऑफ 30 लेबर्स वर
₹3,450 पर डे। क्वेश्चन में कहा गया है 30 लेबर्स की एक टीम है जिसकी एक दिन की जो मजदूरी है वो 3,450 रुपीस है। व्हाट विल बी द टोटल वेजेस, टोटल वेजेस क्या होगी इफ 12 मोर लेबर्स वर एडेड टू द टीम, यदि उस 30 लेबर की टीम में 12 लेबर और आ जाते हैं तो एक दिन की मजदूरी क्या होगी, यह हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। वेजेस ऑफ 30 लेबर इक्वल रुपीस 3,450। अब यहां पर हम एक लेबर की कॉस्ट को फाइंड करेंगे। वेजेस ऑफ वन लेबर इक्वल टू रुपीस 3,450 में डिवाइड कर देंगे हम 30 का। यहां से हम वन लेबर की कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। वेजेस ऑफ 30 प्लस 12 इक्वल टू 42 लेबर्स की पहले टीम थी, 12 लेबर्स ने बाद में आके ज्वाइन किया तो टोटल टीम में लेबर्स कितनी हो गई 42। अब 42 का हमें फाइंड करना है तो 3,450 डिवाइडेड बाय 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से। जीरो से सबसे पहले जीरो क्रॉस कर दिया, थ्री से थ्री बन जा 3 और 3 से 42 क्रॉस हो गया 14 टाइम्स, 14 3 जा 42 होते हैं। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 345 मल्टीप्लाई बाय 14, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 345 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, 18 का 8, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13। वंस प्लेस क्रिएट के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, देन ऐड, इसको ऐड कर देंगे 0, 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 कैरी का 8, 3 और 1 4। 42 लेबर्स की जो मजदूरी हो गई वो हो गई आपकी 4,830 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 7। इन 3 आवर्स ए ट्रेन कवर 195 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड और एक समान स्पीड से चलती है। व्हाट डिस्टेंस वुड द ट्रेन कवर इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यह हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स
इक्वल टू 195 किलोमीटर। ट्रेन 3 घंटे में 195 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। यहां पर हम 1 घंटे में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 195 में 3 का डिवाइड कर देंगे। 195 डिवाइडेड बाय 3, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स। और 5 आवर्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 195 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहां पर 3 से 5 तो क्रॉस होगा नहीं, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 3 से 195 को क्रॉस करते हैं, 3 बन जा 3, 3 से 19 में डिवाइड करते हैं, 3 सिक्स 18, 1 बचा, 1 इसके आगे लगाया, कितना हो गया 15, 3 फाइव जा 15। अब हमारे पास नंबर है 65 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 फाइव जा 25 का 5 2 कैरी, 6 फाइव जा 30 30, और 2 कितना हो गया 32, 325 किलोमीटर। तो ट्रेन 5 आवर्स में 325 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.C कंप्लीट हो चुकी है। वील मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।